सोनीपत में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर और प्रदेश सरकार पर चमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए, फिर भी बीजेपी सरकारी भर्तियां नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में माहौल बदल रहा है, लोग कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बनेगा। एक तो ये कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो तो दी नहीं, बल्कि आज के दिन 30 लाख केंद्र की सेंट्रल सर्विसेज की नौकरियां खाली हैं। तो भाई वहाँ सरकार बनते ही एक तो 30 लाख वो स्थान भरेंगे, 30 लाख बच्चों को नौकरी देंगे देश में, और जो बेरोजगारी है, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, ग्रेजुएट हैं, डिग्री होल्डर हैं, वो रोजगार नहीं मिल रहा उनको। तो जब तक वो रोजगार के लिए तैयार नहीं होंगे, उनको अप्रेंटिसशिप में 1 लाख रुपया साल का केंद्र सरकार देगी। इसी प्रकार से अलग अलग वर्गों को बनाएं, इसी प्रकार से महिलाओं के लिए, जो महिला घर में सबसे, परिवार में सबसे बुजुर्ग होगी, सीनियर होगी, उसको भी 1 लाख रुपए साल का उनके नाम सीधा बैंक में दिया, बैंक से दिया जाएगा। नई नई स्कीम चलाते हैं, अग्निवीर चला दिया, वो तो फैसला कर दिया कांग्रेस ने, इंडिया सरकार बनेगी गठबंधन की तो अग्निवीर की स्कीम रद्दी में टुकड़े में जाएगी और रेगुलर भर्ती होगी। इस प्रकार से तो हरियाणा में ये माहौल सारे प्रदेश में हमें बता रहे, जैसे आपसे मैंने पूछा, हर जगह मैंने पूछा, सभी की है, ये क्यों है ऐसा, ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा जो है, हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर एक था। और आज क्या हो गया भाई, 10 साल के बाद, 10 साल इनको सरकार बने हो गए, बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी हरियाणा में भी, आज हरियाणा कहाँ है? हरियाणा किस चीज में नंबर एक है? आज हरियाणा देश में नंबर एक है बेरोजगारी में, महंगाई में, और कानून व्यवस्था की तो बात ही क्या है, कानून व्यवस्था तो अपराध बहुत बढ़ गया है।